नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। विश्व हिंदू महासंघ महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के पद के लिए उषा सोलंकी ने किया दावा। कहां यही है मुख्य संस्था। जान सुविधाओं के लिए सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाएं समय समय पर कार्य करती है, जिसमें गरीबों एवं सहयोग को मदद दी जाती है। इससे गरीब लोगों एवं पशु पक्षियों को भी काफी लाभ मिलता है, लेकिन कुछ सामाजिक संस्थाएं आपसी विवाद के घेरे में आ जाती हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी संस्था के कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए जाते हैं। इसी क्रम में विश्व हिंदू महासंघ एक संस्था है जिसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है और इस संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ से परामर्शदात्री संस्था के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। लेकिन संस्था के पदाधिकारी के बीच कुछ मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते वर्तमान में विश्व हिंदू महासंघ महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष उषा सोलंकी ने अपने आप को मुख्य अध्यक्ष के रूप में माना है और उन्होंने कहा है कि मैन संस्था विश्व हिंदू महासंघ है, जो कि समय समय पर कार्य कर रही है। इसके अलावा इस संस्था से जुड़े कुछ लोगों ने अलग से अपने आप को इस संस्था का सदस्य एवं पदाधिकारी भी घोषित कर रखा है, जो कि गलत है। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं विश्व हिंदू महासंघ महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष उषा सोलंकी। मथुरा से संवाददाता राजेश सोलंकी की रिपोर्ट। कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारा अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ अब्दुल जी है। इससे पहले चीफ मिनिस्टर होने से पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज विश्व हिंदू महासंघ के भारत चैप्टर के हेड थे और इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट में थे। आज महाराज जी मार्गदर्शक के रूप में है योगी जी, और सुरेंद्रनाथ जी महाराज योगी जी के स्थान में है जो इंटरनेशनल के भारत चैप्टर के वाइस प्रेसिडेंट में है। तो और किसी को अवसर बनाने के लिए विश्व हिंदू महासंघ को बदनाम करने के लिए जो काम कर रहे हैं, इसके लिए शायद मुझे लगता है कि भारत चैप्टर इसको लीगल प्रोसेस में जाएगा और ये अफवाह को सब खत्म करेगा। सब हिंदुओं को लेकर इकट्ठा होकर आगे बढ़ेगा। क्या सुनना है आपका, क्या करते हैं? मेरा नाम उषा सोलंकी, एडवोकेट है विश्व हिंदू महासंघ मातृशक्ति की, मथुरा की जिलाध्यक्ष हूँ मैं। आज भी प्रेस वार्ता रखी है, किस संबंध में रखी है, क्या उद्देश्य है? मैंने इसलिए रखी है कि विश्व हिंदू महासंघ के नाम से कुछ फर्जी संगठन, वो भी समानांतर रूप से एक संगठन चला रहे हैं, जबकि हमारा जो विश्व हिंदू महासंघ है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत ही सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करने वाला, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला संगठन है। उसके बारे में जनता के सामने सच्चाई लाने के लिए, उसके सही तथ्यों को प्रस्तुत करने के लिए, उनकी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, संरक्षक, उनके बारे में जनता को जानकारी देने के लिए ये मैंने प्रेस वार्ता रखी है, जिससे कि जनता या मातृशक्ति या समाज भ्रमित ना हो। मैंने जब अपने प्रदेश पदाधिकारियों के बारे में कहा कि यहाँ विश्व हिंदू महासंघ के नाम से दूसरे भी पद नियुक्तियाँ हो रही हैं या दूसरे लोग भी अपने आप को जिलाध्यक्ष घोषित कर रहे हैं, तो उसके बारे में मैंने सच्चाई जानी, तो मुझे अपने प्रदेश अध्यक्ष जो श्रीमती संतोष मिश्रा जी थी, हमारी प्रदेश प्रभारी गंगा सिंह धाकड़ जी थी, प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री भिखारी प्रजापति जी थे, उन्होंने बताया कि वो एक फर्जी संगठन है जो हमारे नाम से गलत संगठन चला रहा है, हम लोगों ने उनको संगठन से निकाल दिया है, इसलिए वो एक फर्जी संगठन चला रहे हैं और हमारा संगठन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक प्रतिष्ठापूर्ण संगठन है और हिंदुत्व के लिए काम करता है। बड़े बड़े पीठाधीश्वर इसमें, संत महात्मा इसमें जुड़े हुए हैं, योगी जी भी पहले सक्रिय रूप से इसमें जुड़े हुए थे, अब सरकार में आने के बाद, सक्रिय राजनीति में आने के बाद अब वो संरक्षक के रूप में है। तो यही सच्चाई मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। फिलहाल में जो आप बता रहे हैं कि फर्जी संस्था चला रहे हैं, तो क्या उससे पहले आपकी संस्था से जुड़े हुए थे वो? उससे पहले हमारी संस्था से वो सक्रिय रूप से नहीं जुड़ी थी, वो एक साधारण सदस्य के रूप में ग्रुप में थी। जैसे कोई महिला आती है और वो कहती है कि हम काम करना चाहते हैं, तो हम ग्रुप में उनको जोड़ लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ नववर्ष का प्रोग्राम हुआ, उसमें उस साधारण सदस्य के रूप में उन्होंने हमसे संपर्क साधा और कहा कि मैं भी प्रोग्राम देना चाहती हूँ। नववर्ष के प्रोग्राम में वो आई, नम्रता गुप्ता, और उन्होंने प्रोग्राम दिया। वहाँ आके उन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद हमारी उसमें प्रदेश प्रभारी गंगा सिंह धाकड़ जी भी आई हुई थी, उनसे भी उन्होंने संपर्क साधा, बातचीत की,
फिर उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं भी संगठन में काम करना चाहती हूँ। मैं जो संगठन में काम करना चाहती हूँ, उस वक्त उन्होंने ये तथ्य हमसे छुपाया कि वो पहले से ही किसी और संगठन में विश्व हिंदू महासंघ के नाम से किसी फर्जी संगठन से जुड़ी हुई हैं, उसमें वो पहले से ही महानगर अध्यक्ष के पद पर हैं। जब हमें ये नहीं पता था, उन्होंने हमें गुमराह किया, हमारी प्रदेश प्रभारी जी को गुमराह किया और हमारे संगठन में ये नगर अध्यक्ष के रूप में ये आए। हाँ, वो नगर अध्यक्ष दावा नहीं कर रही है, नगर अध्यक्ष तो हमने हटा दिया। उन्होंने प्रेस वार्ता करके दावा किया कि उषा सोलंकी विश्व हिंदू महासंघ की मातृशक्ति की जिलाध्यक्ष नहीं है, विश्व हिंदू मातृशक्ति की जिलाध्यक्ष मैं हूँ। इसलिए मुझे आज ये प्रेस वार्ता करनी पड़ी कि अगर वो किसी और संगठन से हैं तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। वो अगर सनातन के लिए कार्य कर रही है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं उनको। लेकिन हमारे संगठन से, जो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी अस्मिता भंडारी जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल से संचालित कर रही हैं, राष्ट्रीय लेवल पर सुरेंद्रनाथ अवधूत जी संचालित कर रहे हैं, प्रदेश लेवल पर प्रदेश अध्यक्ष भिखारी प्रजापति जी संचालित कर रहे हैं और प्रदेश मातृशक्ति की श्रीमती संतोष मिश्रा जी संचालित कर रही हैं, उस संगठन से नम्रता जी को निकाला जा चुका है। अब उससे कोई उनके संगठन के क्रियाकलापों से हमारे संगठन को कोई संबंध व सरोकार नहीं है। मातृशक्ति जिलाध्यक्ष की बागडोर जिलाध्यक्ष के रूप में, एक सेवक के रूप में, एक सेवा करने के रूप में मेरे हाथ में।